ये खत आया जो मैं आपको दे भी दूंगा, इसके ये मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। मैं इनसे एग्री नहीं करता, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी जरूरी होते, मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से यह है कि मैं उसका हिस्सा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब, आपका। इसहाक दार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, महमूद खान अचकजई साहब, आतिफ खान साहब, हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूं कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहां करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पर करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएँ। अभी भी उम्मीद है। मैं जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी विप्स की, तो गवर्नमेंट की विप्स की ये डिमांड थी कि हम 2/3 हैं और ऑपोजिशन 1/3 है, हमें 2 दफ़ा बोलने का मौका मिले और ऑपोजिशन को 1 दफ़ा मिले। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जिसमें शायद ट्रेजरी बेंचेस खुश नहीं हुए, आपको ज़्यादा मौका मिला है बनिस्बत ये। और मैं सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मैंने हर महीने का कंपाइल कराया हुआ है, इसलिए कि ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। हम तो चाहते हैं आप यहाँ पर बात करें। जो ख्वाजा साहब ने बात की, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, आई थिंक उसमें बहुत वजन है। मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इतला थी, तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से यह है कि मैं उसका हिस्सा था। मैंने नेशनल असम्बली के ऊपर से शुरू किया, नीचे से नहीं। सार्जेंट एट आर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही इज़ इन चार्ज फॉर द सिक्योरिटी, उनको भी सस्पेंड किया और उनके साथ जो लोग जिन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, जो लोग अगर अंदर आए थे उनको रेजिस्ट नहीं किया। CDA के स्टाफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उनको सस्पेंड भी किया है और उनको यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए किया, इसलिए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। मगर मैं एक तल्ख बात करूँगा, तल्ख उसमें नहीं करूँगा बट उसका नतीजा शायद अच्छा हो। 17/12/2018, ये उस वक्त आपकी हुकूमत थी, ये एक ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त आया जो मैं आपको दे भी दूंगा इसके बाद। ये मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर होने थे। उसमें एंड में मैं पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा था, और ये सिर्फ ख्वाजा साहब के बारे में नहीं हुआ था, ये ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, अहसन इकबाल साहब के ज़ुबाने, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एज सच दिस रिक्वेस्ट मे नॉट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशेंट ग्राउंड फॉर द इशुएंस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑर्डर। ये मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। दूसरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से है, 22/6/2019 को ये आपकी हुकूमत थी। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट एंड का पढ़ देता हूँ। द ऑनरेबल स्पीकर मे वेल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रीशन बाय नॉट इशूइंग द प्रोडक्शन ऑर्डर इन क्वेश्चन। This is more so as the presence of the detainees is not necessary for purpose of making oath as a member of the National Assembly, as noted in the Baldev Kumar case. The peculiar facts of the matter are such that the scale of public welfare and interest appears to crave for a rejection of the request of the issuance of the production order. ये दूसरा है, ये मैं जी, ये लॉ मिनिस्ट्री का है, और पहला साद रफीक साहब का, दूसरा भी ये देख लें कौन है, मैं तो सिर्फ ऑपरेटिव पा, और तीसरा है 6/8/2019, व्हेन द रिक्वेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर मेली सेज टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑनगोइंग 13th सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली विदाउट मेंशनिंग एज टू व्हाई द प्रेजेंस इज नेसेसरी, द रिक्वेस्ट एक्स फेशियर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशेंट ग्राउंड फॉर द इशुएंस ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ये आपको दे रहा हूँ। बट जिस तरह पार्लियामेंट्री लीडर PMLN ने और जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, दार साहब ने, सब ने कहा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट। आई डू नॉट एग्री
जो आपकी गवर्नमेंट में ये ऑर्डर्स थे, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ. ये नॉट इशूइंग प्रोडक्शन ऑर्डर वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू देन, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू नाउ. आई विल इंशाल्लाह डू वॉट इज़ अप्रोप्रिएट, वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड वॉट इज़ नेसेसिटी फॉर द पार्लियामेंट की इज्जत के लिए. मैं इंशाल्लाह इसकी जो 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 इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा. और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौका मिले आप लोग अगर मेरे घर आएँ तो प्लीज़, वो घर जो है ना वो कैंप ऑफिस होता है, अगर आप मुझे मिलने आएँ तो ये ना सोचें कि क्या, बिकॉज ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना ज़रूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी. अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली ऑपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पर हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं, तशरीफ रखें गौर साहब, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूँगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि इस वो ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए. और मैं अपनी जिम्मेदारी कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करें. मैं तो सोच रहा हूँ सर छोड़ें, आप कोई ड्रामा ना करें, और क्योंकि जमहूरियत बनी है यहाँ पे, आप लोग ड्रामा करते हो जमहूरियत का शोर से. 76 साल से ये ड्रामा चलता है, इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत जैसे जुलूस, ये सब ड्रामे होते हैं आपके. अभी आपके मुँह पर थप्पड़ मार गए नकापोश लोग, पार्लियामेंट की इज्जत बिल्कुल बेतुकरी कर गए, आपके मुँह पर थप्पड़ मार गए रातों रात, आपके हाँ पार्लियामेंटरी ने उठा कर ले गए बगैर सजा के, बगैर किसी परमिशन के, ऐसे घुस गए पार्लियामेंट में जैसे उनके बाप का घर है. हाँ ये अवाम के टैक्स के पैसे से चलते, वहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठे थे, लेकिन उनको कोई डर नहीं किसी का, क्योंकि इमरान खान ने पहले कहा हुआ है कि यह मुल्क जंगल के बादशाह का है और यहाँ पर जंगल का कानून नहीं चलते, तो यहाँ पर उसकी कीमत चलेगी. यहाँ पर कोई कानून नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई अवाम के नुमाइंदे नहीं, और कोई जमहूरियत भी नहीं. जमहूरियत काम कैसे ड्रामा किए जाते हैं हर 5 साल बाद, क्योंकि दुनिया को पागल बना होते हैं, दुनिया को पागल बना होते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे हराम करने होते हैं, अवाम को भी पागल बनाते हैं, क्योंकि लंबी लाइनों में खड़े होकर अवाम वोट डाल के आती है, तो क्या मिलते रातों रात अपना नतीजा फिर हो जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, अवाम ने जो मर्जी कहा हो लेकिन जीतेंगे ये लोग, क्योंकि ये जंगल के बादशाह की मर्जी है. तो ना तो मुल्क बर्बाद हो गए, मीशा ख़त्म हो गई है, और इनको अपनी बट गया बस. अभी स्पीकर साहब कहने आराम से कह रहे हैं कि मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के खाएंगे पिएंगे, मिलजुल के एक्शन करेंगे. हाँ ये सब के मिलजुल के पहले भी करते हैं, नोली वाले कहते थे ना खाओ और खाने दो, यह सब पार्टी कह रही हैं खाओ और खाने दो मिलजुल के. तो ना दें वीडियो अच्छे को तरह को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निशान कंटे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को मिल सके. अल्लाह हाफिज़.